जय हिंद टू ऑल ऑफ यू 8th क्लास स्टूडेंट्स एस यू नो यू आर चैप्टर नंबर 11 रनिंग चैप्टर नंबर 11 इज द फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर नंबर जो 11 है उसका जो हेडिंग है वो क्या है हमारा फोर्स एंड प्रेशर मतलब कि हमें मेनी टाइप ऑफ फोर्स बहुत सारे तरह के फोर्स के बारे में स्टडी करना है और प्रेशर के बारे में इसमें स्टडी करना है तो एज यू नो यस्टरडे वी स्टडी अबाउट फोर्स मेनी टाइप ऑफ द फोर्स अप्लाई ऑन द मेनी टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर थ्रू बाय अस हमारे द्वारा बहुत सारे जो है वस्तुओं पर फोर्स लगाया जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल जो क्रिकेट होता है क्रिकेटर जो प्लेयर क्रिकेट होता है क्रिकेटर होता है वो बॉल को हिट करता है वहाँ पर बैट के थ्रू क्या करता है बॉल पर जो है फोर्स अप्लाई करता है उसी तरह से फुटबॉल का जो प्लेयर होता है वो अपने फुट के थ्रू क्या करता है बॉल पर एक फोर्स अप्लाई करता है ठीक है यहाँ पर क्या होता है फोर्स का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है उस डायरेक्शन में वर्क होता है अब यहाँ पर फोर्स में हमने फोर्स के अकॉर्डिंग पुश और पुल देखा था पुश करना और पुल करना पुश और पुल के अकॉर्डिंग हमने जो इस प्रकार की टेबल जो है यस्टरडे कंडक्ट की थी जिसमें हमने वेरियस टाइप ऑफ फोर्स विभिन्न प्रकार के फोर्स जो है अलग अलग तरह के फोर्स यहाँ पे हमने फिलफुल किया था अब टुडे वी स्टडी अबाउट फोर्स पुशिंग और पुलिंग में ठीक है तो पुश और पुल फोर्स को हम और ज्यादा क्या करते हैं आगे स्टडी करते हैं फोर्स आर ड्यू टू एन इलेक्ट्रो इलेक्ट्रा इंटरेक्शन जो फोर्स होता है उसका इंटरेक्शन होता है मतलब कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है बोर्ड पर मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो वो ऑब्जेक्ट भी हम पर क्या करेगी रिटर्न फोर्स अप्लाई करती है ठीक है तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम पर क्या करती है फोर्स अप्लाई करती है ये क्या होता है ये साइंस का एक रूल होता है ठीक है अब यहाँ पर देखिए जो एक जो गाड़ी है ठीक है ये खड़ी हुई है यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ स्टैंड है और गाड़ी का स्थिर व्यवस्था में है ठीक है यहाँ पर फोर्स और ये कहीं पर कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा जब अगर कोई व्यक्ति इस कार के ऊपर फोर्स लगाएगा तो फोर्स लगाने पर जो है कार भी आपकी अपोजिट फोर्स डालती है जिससे कि हमें क्या होता है तकलीफ होती है उससे ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा ठीक है तो जितना फोर्स हम कार पे लगाते हैं कार उतना ही फोर्स हम पे लगा रही अगर बराबर मात्रा में फोर्स लगाया गया तो कार आगे नहीं बढ़ेगी यदि उससे ज़्यादा मात्रा में हम फोर्स लगाएंगे तो ही क्या हो जाएगी गाड़ी आगे जो है मूव कर सकती है ओके सेकेंड जो है इसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि फोटो में ये जो गर्ल्स हैं गर्ल्स क्या कर रही है एक दूसरे को पुश कर रही है ठीक है यहाँ पर एक दूसरे को कर रही है पुशिंग कर रही तो हु पुश हुम कौन किसको क्या कर रहा है धकेल रहा है तो यहाँ पर जो गर्ल्स हैं बोथ गर्ल्स पुशिंग ईच अदर दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है पुश कर रही है ओके एंड देखिए जो इस पिक्चर में इस पिक्चर में क्या है पुलिंग पुलिंग हो रही है उन्हें खींच रही है वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है तो ये जो गेम है इसमें हु पुलिंग हुम कौन किसको खींच रहा है तो दोनों एक दूसरे को खींच रही है इसलिए पोखड़ी है पोखड़ी खेल रही है वो ठीक है दोनों एक दूसरे को खींच रही है वो क्या कर रही है सर्कल जो सर्किल है वो मूव कर रही है घूम रही है ठीक है तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है अब नेक्स्ट है हमारा ये जो है काउ को खींचने वाला जो किसान है ये क्या कर रहा है दोनों दूसरे को क्या कर रहा है पुल कर रहा है ठीक है दोनों दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ठीक है अब फोर्स अप्लाई करने पर यहाँ पर जो है जो रस्सी है उसमें फोर्स जो है रस्सी के थ्रू फोर्स अप्लाई किया जा रहा है दोनों को यहाँ पर जो रस्सी है या रोप है वो क्या फोर्स को लगाने का एक मीडियम है माध्यम ठीक है अब नेक्स्ट हम स्टडी आगे जो है देखते हैं ठीक एक्सप्लोरिंग फोर्सेस एक्सप्लोरिंग मतलब बल की फोर्स यहाँ पर बल किस तरफ लगाया जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये फोर्स कैन चेंज द स्टेट डिफरेंट तो इस एक्सप्लोरिंग फोर्स में बल किस प्रकार से किस तरफ लगाया जा रहा है यदि क्या हुआ एक बड़ा भारी क्या है एक
क्या बोलेंगे फर्नीचर, यदि फर्नीचर को लड़की के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जाता है तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। यदि आपके फ्रेंड दूसरी तरफ से उसे वो भी धकेले हम भी धकेले तो जो मतलब कि बक्सा होगा या बॉक्स होगा वो कहीं पर भी मूव नहीं करेगा, आपके प्लेस पर ही रहेगा क्योंकि दोनों तरफ दोनों ही डायरेक्शन से उसे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से वो अपने ही प्लेस पर रह पाएगा, कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह से रोप जो होती है, जब रोप खींचा जाता है दोनों तो दो टीम क्या कर रही है, रोप को अपनी अपनी तरफ खींच रही है। यहाँ पे बल किधर की तरफ लग रहा है, बल क्या हो रही बोथ साइड अप्लाई द फोर्स, दोनों तरफ से बल क्या किया जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। जिधर से फोर्स की क्वांटिटी मतलब कि ज़्यादा मात्रा में फोर्स होगा, ज़्यादा क्वांटिटी फोर्स होगी उधर क्या होगी रस्सी रोप जो होगी चली जाएगी। ओके, इस प्रकार से फोर्स रोप के थ्रू पर लगा, रोप के थ्रू एक दूसरे पर फोर्स यहाँ पर लगाया जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, जैसे कि रोप जो है उस पर फोर्स आ रहा है। ठीक है, इस फोर्स को जो है नेक्स्ट अपोजिट फोर्स को अगर रोप को टूट गई तो बीच में से दोनों टीम अपनी अपनी तरफ गिर जाएगी। यदि एक तरफ की टीम का फोर्स कम होगा तो सेकेंडरी टीम उसे अपनी ओर खींच लेकर ले पुल करके लेके जाएगी। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट देखिए फोर्स कैन चेंज द स्टेट, तो फोर्स क्या कर सकता है जो इस ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है, फोर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की स्टेट या उसकी अवस्था को बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यस फोर्स कैन चेंज द स्टेट, स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की जो स्टेट है उसको चेंज कर सकता है। यहाँ पर एक टेबल पर एक बॉल रखी हुई है, बॉल को जब धीरे से क्या करें टच करें या धीरे से उसको थोड़ा हल्का सा फोर्स लगाए तो बॉल लुढ़कती हुई आगे बढ़ेगी। यहाँ पर जो फोर्स के थ्रू बॉल की मोशन क्या बदल गई और आगे तरफ की तरफ क्या जाएगी ये चेंज हो जाएगी। यदि एक रबर का टायर, रबर टायर को क्या करता है बच्चा अपनी एक स्टिक के थ्रू बार बार उसको फोर्स अप्लाई करता है तो बार बार फोर्स अप्लाई करने पर पहले वो उसकी जो मोशन होगी वो स्लो होगी, लेकिन जब बार बार फोर्स अप्लाई किया जाता तो मोशन क्या हो जाएगी फास्ट हो जाएगी और तेज मोशन में आ जाएगा वो। ठीक है, तब पर मोशन बदल जाती है, फोर्स अप्लाई करने पर मोशन बदल जाती है और गति तेज हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट आगे हम स्टडी करते हैं इसी को स्टेट चेंज में। देखिए स्टेट चेंज हो जाती है तो स्टेट चेंज होती है फोर्स के थ्रू, फोर्स के थ्रू यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है, शेयर शेप बदल रहा है। ठीक है, तो शेप भी बदल सकता है, शेप बदलता है। यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल जो डब होता है, जब डब बनाते हैं आटा जो है आटा गूंथते हैं, ठीक है, तो सूखे आटे में वाटर मिलाकर डब बनाने पर क्या होता है हमारे इस बंच के थ्रू उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है पूरी तरह से चपटा हो जाता है। ठीक है, जब हम सीट पर बैठते हैं तो स्पंज होता है चपटा हो जाता है और वो जो सीट होती है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जो है चपटी हो जाती है। यहीं पर इलास्टिक है, इलास्टिक को यदि कहीं पर लगा दिया रबर को, रबर बैंड को भी एक हैंग पर लटका कर खींचा जाए तो उसका अगर वो इस प्रकार से लंबा हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जो फोर्स के थ्रू क्या हो रहा है उसकी स्थिति चेंज होकर शेप बदल गया और लंबा हो गया है। ठीक है, यहाँ पर भी इस प्रकार से एक लोहे की स्केल को दोनों साइड पर इंटर के उस पर अगर दोनों साइड पर उसको जमा दो, बीच में अगर हम एक लोड रखेंगे तो क्या जाएगा वो इस प्रकार से नम जाएगा या शेप भी चेंज हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर फोर्स जो है फोर्स के थ्रू चेंज हो रही है उसकी शेप। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है कॉन्टेक्ट फोर्स, फोर्स फोर्स होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच कॉन्टेक्ट किया जाए उनको जोड़ा जाए और जो फोर्स डाला जाए उसे कॉन्टेक्ट फोर्स कहेंगे। यहाँ पर कॉन्टेक्ट फोर्स के लिए समझाने के लिए हमने यहाँ पर जो गाड़ी बेल दिया, गाड़ी बेल का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो जो बेल गाड़ी होती है उसमें जो मतलब कि जो गाड़ी होती है उसमें बेल को बांध कर क्या किया जाता है उसे आगे बढ़ाया जाता है या मूव किया जाता है। ठीक है, तो जो ऑक्स होते हैं जो बेल होते हैं वो क्या करते हैं अपना मस्कुलर फोर्स इस गाड़ी के ऊपर लगाते हैं। तो मस्कुलर फोर्स के थ्रू क्या हो रहा है जो पीछे कॉन्टेक्ट या जुड़ा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगेगा जिससे कि वो क्या हो जाए मोशन में आ जाएगी, इसे कहेंगे कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, तो दो जब एक लिविंग मतलब कि जीव दूसरे नॉन लिविंग को ऑब्जेक्ट को कॉन्टेक्ट में ला रहा है तो
लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, एनिमल है, उसकी मसल्स का फोर्स इस पर ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, वो ऑब्जेक्ट और ही मोशन में आ जाती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इस तरह से यहाँ पर ये फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का मीन्स होता है घर्षण या घिसा। ओके, जब हम क्या करते हैं दो चीजों को आपस में रगड़ते तो उनके बीच क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन इज अ वेरी यूजफुल ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन एक बहुत ही उपयोगी चीज है। ठीक है, फ्रिक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, जमीन पर चल सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारे पेड़ जो है जमीन पर जम जाती है, यदि पूरी तरह से चिकनी सी सरफेस होगी तो फ्रिक्शन नहीं होगा और हम फिसल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन जो होता है वो भी क्या करता है, फोर्स डालता है, फ्रिक्शन की वजह से हम थक जाते हैं। फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है। ठीक है, जिससे कि हम हमें थकान आ जाती है। ओके, अब नेक्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जब दो ऑब्जेक्ट अलग अलग रखी हुई हो, उनका कोई कॉन्टेक्ट से आपस में जुड़ी हुई नहीं हो तो उसे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मैग्नेट है। ठीक है, तो जो मैग्नेट है, मैग्नेट और ये क्या है, आयरन पीस। अगर किसी आयरन पीस को मैग्नेट के पास लाया जाता है तो ये मैग्नेट होता है वो क्या करता है, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। तो मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर मैग्नेट का जो फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि आयरन पर लग रहा है, और आयरन का ना मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होकर उसके पास में क्या होगा, सरक जाएगा। इस प्रकार इसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो, दूर दूर हो, उनके बीच की भी कोई फोर्स काम करे तो उसे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जो है हम कहेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो है आयन से प्लस आयन और माइनस आयन जो फोर्स होता है ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, लेकिन वो वर्क नहीं करता है। अगर उस चीज को मूव कराया जाए या उसको वाइब्रेशन में लाया जाए तो फोर्स होता है वो वर्क कर सकता है। ठीक है, जनरली जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में यदि हम कंघी को खींच करके, कंघी को अपने बालों पर घींचते हैं और छोटे छोटे से कागज के टुकड़े उस पर के सामने लाते हैं तो कागज के टुकड़े जो होते हैं कंघी पर चिपक जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, पहले वो जो आयन्स होते हैं नॉन मूवेबल होते हैं, जब उनको फ्रिक्शन किया जाता तो वो मूवेबल हो जाते हैं, यहाँ पे फोर्स काम करने लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई बाय द अर्थ, या अर्थ के थ्रू क्या किया था, जो है अप्लाई किया था किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, यदि हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराते तो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू क्या होता है, नीचे ही गिरता है। ठीक है, ये जो एक से जैसे एप्पल होता है तो स्टडी अबाउट प्रेशर, हम प्रेशर के बारे में कैसे स्टडी करेंगे। ओके, जय हिंद, आई लव यू, थैंक यू, बाय बाय।